दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 के बाद अब चांद पर इंसान भेजेगा भारत, पीएम मोदी ने बताया टारगेट। इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोफेशनल मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थलांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसे भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों में हासिल एक और मील का पत्थर बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, इसरो को बधाई, हमारे भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों में एक और मील का पत्थर हासिल किया गया, जिसमें 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को भेजने का हमारा लक्ष्य भी शामिल है। इसरो ने मंगलवार को एक ऑपरेशन को एक अनोखा प्रयोग बताया है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना और विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर पर लगे उपकरणों को जरिए चांद की सतह का अध्ययन करना शामिल था। अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसरो ने बताया कि प्रोफेशनल मॉड्यूल को चांद की कक्षा से वापस पृथ्वी की कक्षा में लाने के प्रयोग का मुख्य फायदा आगामी मिशनों की योजना तैयार करने के दौरान होगा। खासकर मिशन को चांद से वापस पृथ्वी पर लाने में फिलहाल मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो कि शुरुआती स्टेज में है। चंद्रयान 3 मिशन का प्रोफेशनल मॉड्यूल 17 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर से अलग हुआ था और चांद का चक्कर लगा रहा था।